रुक रहे जयपुर का वर्ल्ड रेलवे टेबल टेनिस चैंपियनशिप का यहां पर आयोजन हो रहा है और आपको बता दें कि 5 देशों की टेबल टेनिस की टीम जयपुर में यहां पर मौजूद है। उत्तर पश्चिमी रेलवे महाप्रबंधक टेबल टेनिस का शुभारंभ करेंगे प्रतियोगिता का और आपको बता दें कि आज से 26 नवंबर तक रेलवे ऑफिसर्स क्लब जगतपुरा जयपुर में मैच का आयोजन हो रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दामोदर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दामोदर, वर्ल्ड रेलवे टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो होने जा रहा है, शुभारंभ यहां पर जो है हो चुका है, कौन कौन से वहां पर जो प्रतिनिधि है मौजूद है, कौन कौन से वहां पर बड़ी शख्सियत जो है वो मौजूद है? देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रेलवे को जो वर्ल्ड टेबल टेनिस का खेलने का एक मौका दिया गया है जो कि, और इंडियन रेलवे ने उत्तर पश्चिमी रेलवे को ये स्पोर्ट्स कराने का जिम्मा दिया है, तो कह सकते हैं कि 5 देशों की जो टीमें हैं वो यहाँ पहुँची है, जिसमें एक भारत सहित यानी डेनमार्क, चेक गणराज्य, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की टीमें यहाँ पहुँची है। मेरे पीछे आप देख सकते हो जो टेबल टेनिस के लिए जो खिलाड़ी है वो यहाँ पहुँचे हैं, जो गेम है वो शुरू हो चुका है और अलग अलग देशों की टीमें ये जो टेबल टेनिस है वो खेले जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि जिस तरीके से जो गेम हो रहा है वो एक खिलाड़ियों में उत्साह है और यहाँ जो पहुँचे हैं स्पोर्ट्स के जो सेक्रेटरी जो पदाधिकारी है उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से ये जिम्मा इनको दिया गया है और कितने खिलाड़ी इसमें शामिल हो रहे हैं। सर, खुशी की बात है क्योंकि इंडियन रेलवे को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और इंडियन रेलवे ने उत्तर पश्चिमी को दिया है जो वर्ल्ड टेबल टेनिस गेम का। जी, आप सही कह रहे हैं, हमारे लिए बहुत खुशी और गर्व का विषय है कि ये वर्ल्ड टेबल टेनिस रेलवे की जो चैंपियनशिप हो रही है वो यहाँ जयपुर में हो रही है। इंटरनेशनल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन यूसिक एक एसोसिएशन है जिसके तत्वावधान में और इंडियन रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में ये टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित हो रहा है। इसमें 5 देश भारत को मिला के हिस्सा ले रहे हैं, 66 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और ये टूर्नामेंट आज 22 तारीख से शुरू हो गया है और 25 तारीख तक चलेगा। 25 तारीख को फाइनल्स खेले जाएंगे और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, आपने भी माहौल देखा होगा, छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, सभी टीम्स बैठी हुई हैं ऊपर की तरफ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टूर्नामेंट बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होगा और आगे भी हमें इस तरह के मौके मिलते रहेंगे कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स खास करके रेलवे से संबंधित हमें मिलते रहेंगे। थैंक यू। उत्तर पश्चिमी रेलवे के DGM है हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जो खिलाड़ी टीम पहुँचे हैं, पहली बार यहाँ गेम हो रहा है इस तरीके के, 1941 के बाद जो एक इनका जो बनाया गया था उसके बाद इंडिया में जिस तरीके से, क्योंकि बाहर अधिकतर ज़्यादा बाहर होते हैं गेम, इस बार इंडिया में हो रहा है, क्या? देखिए, एक तो हमारे देश की जो साख है वो बढ़ रही है और हम लोग स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सब जगह, तो सबसे पहले तो भारतीय रेलवे को चुना गया, फिर उत्तर पश्चिम रेलवे में हमारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, हमारे खिलाड़ियों को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे को ये मौका मिला। निश्चय एक तो ये देशों के बीच में सौहार्द की भावना को डेवलप करेगा और हमें आगे भी इस तरीके के मौके और मिलेंगे कि हम ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकें। हम प्रयास रहते हैं कि इवेंट बहुत अच्छी सक्सेसफुली होगी। देखिए, और भी अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे क्योंकि उत्तर पश्चिमी रेलवे पर ये गेम हो रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के लिए, इस तरह के इवेंट्स होने से हमारे जो नई जनरेशन है, स्पेशली जो यंग बच्चे हैं रेलवे से रिलेटेड और आसपास के, उनको अच्छे खिलाड़ियों के गेम को देखने का मौका मिलेगा और अपने गेम में सुधार करने का मौका भी मिलेगा। और प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इज़ ऑलवेज बेटर टू कीप देयर हेल्थी फिटनेस, स्ट्रेस बस्टिंग, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो आने वाली युवा पीढ़ी उनमें भी एक उत्साह है और क्योंकि उनके लिए भी एक, वो क्या कहेंगे सर यूनियन की ओर से, आप यहाँ पहुँचे हो जिस तरीके से गेम हो रहे ये हम सब रेलवे मैन के लिए गर्व की बात है कि हमारी रेलवे की स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो है उसने वर्ल्ड लेवल के इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है और सुबह से हम देख रहे हैं, आप देखिए चारों तरफ किस तरीके की व्यवस्थाएँ की गई हैं,
पूरे उत्साह के साथ। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई वर्ल्ड लेवल की जो फैसिलिटीज़ होती है उसमें किसी प्रकार की कमी है। सारे खिलाड़ियों से मैं यहाँ मिला भी हूँ, कई कंट्रीज़ के खिलाड़ियों से, और उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की है कि जिस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी हमारी रेलवे के लोगों ने की है, और इससे निश्चित रूप से ना सिर्फ NWR का बल्कि पूरे रेलवे का नाम होगा, और आने वाले समय में और भी अच्छी अच्छी इवेंट्स वर्ल्ड लेवल की हमारी रेलवे को मिलने का काम होगा। हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, और यहाँ पर मैं जो है NWR स्पोर्ट्स एसोसिएशन को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। देखिए जिस तरीके से, क्योंकि जो रेलवे के जो खिलाड़ी हैं, जो एम्प्लॉय हैं, जो स्पोर्ट्स कोटे में हैं, उनमें काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो यूरोप में इस तरीके के गेम हो रहे थे, जो यूरोप में ना होके अब इंडिया में इस बार ये गेम करवाए जाते हैं, इस तरीके से अन्य और भी गेम्स हैं, तो जो अन्य खिलाड़ी है उनमें भी उत्साह है कि इस तरीके के गेम यहाँ जयपुर में होए, राजस्थान में होए, जिससे ताकि खिलाड़ियों में एक उत्साह बना रहे। और जो खिलाड़ी आए अन्य जो देशों से आए, चार देशों से, चेक गणराज्य, डेनमार्क या फ्रांस या स्विट्जरलैंड से, तो उन खिलाड़ियों में काफ़ी उत्साह, यहाँ की व्यवस्थाएं देखकर काफ़ी खुशी जाहिर की उन्होंने। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दामोदर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये अनार उगा के हर साल एक एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।